देखो डिस्पर्शन ऑफ लाइट के अंदर ये बताया हुआ है, इट इज ए फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट बीम। एक लाइट बीम का सात रंगों में टूट जाना, स्कैटर हो जा, स्प्लिट हो जाना इन टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म। एक प्रिज्म में से जब पास किया जाएगा सात रंगों में बिखर जाएगी लाइट, इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन बोलते हैं। तो व्हाइट लाइट आई, सात रंगों में टूट गई, तो डिस्पर्शन के अंदर सात रंगों में इसलिए टूटी क्योंकि सात रंगों की वेवलेंथ डिफरेंट होती है। हर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट है, क्योंकि हर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट है तो स्पीड डिफरेंट है। स्पीड डिफरेंट है, कोई स्लो कोई फास्ट मूव कर रहा है इसमें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट है। तो सात रंगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, सात रंगों की स्पीड भी डिफरेंट है, तो इसलिए इसकी क्या हो जाती है? डिस्पर्शन हो जाती है। तो ये डिस्पर्शन ऑफ लाइट है। सबसे ज़्यादा जो डेविएशन हुई अपने पाथ से इधर जाने की बजाय लाइट जब नीचे आई वो वॉयलेट की हुई, और सबसे कम किसकी हुई? रेड की हुई। इसके अंदर ये अभी नहीं करेंगे, इसके अंदर रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के अंदर प्रिज्म का फॉर्मूला जो आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें ये बताया हुआ है कैलकुलेटिंग एंगल ऑफ डेविएशन। देखो ये डेविएशन होती क्या है इसको समझते हैं। डेविएशन है कि अगर मान लो ये एक प्रिज्म है, ये लाइट आई, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, रे ऑफ लाइट एंटर करती है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। फिर एक और नॉर्मल है, रे ऑफ लाइट एंटर करती है डेंसर टू रेयरर, इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो रे ऑफ लाइट आती है, रिफ्रैक्शन होती है और बाहर निकल जाती है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ आई वन है और रिफ्रैक्शन का एंगल आर वन है। ये नॉर्मल और ये नॉर्मल को ड्रॉ कर लिया तो ये एंगल ऑफ एमरजेंस है आई टू है और ये रिफ्रैक्शन का एंगल आर टू है। तो आई वन आर वन आई टू आर टू। लाइट अगर सीधी जाती तो लाइट ये रास्ता फॉलो करती, पर फाइनली लाइट ने ये रास्ता फॉलो किया तो इसमें और इसमें जो एंगल बना इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा। तो हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? कैलकुलेटिंग एंगल ऑफ डेविएशन। तो लाइट को ऐसे जाना था बिना रिफ्रैक्शन के, पर अल्टीमेटली वो ऐसे गई तो ये डेविएट हो गई, तो एंगल ऑफ डेविएशन। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो ये आपके पास एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म के अंदर ये आई वन है, तो बाय वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये भी क्या हो जाएगा? आई वन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? आर वन हो जाएगा, और ये क्या बनेगा? आई वन माइनस आर वन हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? आई वन माइनस आर वन हो जाएगा। उसी तरीके से बाय ज्योमेट्री आई टू, तो पूरे का पूरा आई टू, आई टू में से ये आर टू, तो बचा हुआ एंगल क्या बनेगा? आई टू माइनस आर टू। ठीक, आई टू माइनस आर टू। तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं इसमें कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल जो बना, ये ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं, इस ट्राइंगल में ये डेल्टा कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है, और ये एंगल क्या बनेगा? आई वन माइनस आर वन, और ये एंगल क्या बनेगा? आई टू माइनस आर टू। तो एक्सटीरियर एंगल डेल्टा इज आई वन माइनस आर वन प्लस आई टू माइनस आर टू। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? तो आपके असाइनमेंट में ना गलती से शायद माइनस लगा हुआ है, इसको प्लस कर लेना प्लीज। यहाँ पे ऐसा ही है, माइनस लगा हुआ है, इसको प्लस करना प्लीज, करेक्शन कर लो आपकी एनसीईआरटी की बुकलेट में। ठीक है, फिर एक और करेक्शन है, डेल्टा इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आर टू। नेक्स्ट स्टेप में भी करेक्शन चेक करना, आपके एनसीईआरटी की बुकलेट में ऐसे लिखा हुआ है, चेक करो स्टेप। तो आई वन प्लस आई टू आर वन प्लस आर टू। ठीक है यहां तक? तो इसमें जो पहला फॉर्मूला, आप फॉर्मूला बुकलेट में टॉपिक नाम डालें प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर डेविएशन निकालने का पहला फॉर्मूला ये नोट करें। ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये रिजल्ट्स हैं सिर्फ। तो आपके न्यूमेरिकल इन रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड है, वो रिजल्ट्स क्या है उसको डिस्कस करते हैं। तो ये रिजल्ट्स हैं, ठीक है यहां तक? तो डेल्टा क्या बना? आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आर टू। तो पहला स्टेप क्लियर है। ठीक, दूसरा स्टेप समझें।
दूसरे स्टेप के अंदर अगर आप ये क्वाड्रिलेटरल देखें, ये देख रहे हैं, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये नॉर्मल है, नॉर्मल ने नहीं ये गलत बन गया, ये वाला देखें, ये वाला, ये चार साइड्स का क्वाड्रिलेटरल है, इसमें ये नॉर्मल है, नॉर्मल ने एंगल क्या बनाया 90, यहाँ पे नॉर्मल ने क्या एंगल बनाया 90 एंड 90, तो ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल ए और एंगल ओ का सम क्या होगा 180, तो बचे हुए दो एंगल का सम 180। और उसी तरीके से अगर आप ये ट्राइंगल देखें, ये ट्राइंगल देख रहे हैं, ये वाला छोटा ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में एंगल आर वन प्लस एंगल आर टू प्लस एंगल ओ का सम भी क्या होगा 180, क्लियर है, तीनों का सम एंगल्स का 180, इन्हें इक्वेट कर लो, एंगल ए एंगल ओ इज इक्वल टू आर वन आर टू एंड ओ, तो ओ से ओ क्या हो गया कैंसल, तो ए की वैल्यू क्या आ गई आर वन प्लस आर टू। तो नेक्स्ट रिजल्ट जो आपने लिखना है वो ये लिखना है, ये देखो लिखा हुआ है, तो ये ट्राइंगल के अंदर टोटल सम 180 है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी 180 है, इन्हें अगर हम मिलाएं, ट्राइंगल का तीनों का एंगल का सम और क्वाड्रिलेटरल का दो एंगल का सम ओ आर ओ कैंसिल, तो नेक्स्ट फॉर्मूला नोट करें, एंगल ए प्रिज्म का एंगल ए इज आर वन प्लस आर टू, नेक्स्ट फॉर्मूला आज के शीट में यूज करेंगे इसे, तो जो प्रिज्म है उसका एंगल क्या है ए, प्रिज्म का एंगल आर वन प्लस आर टू के इक्वल है, कोई डाउट इसमें, ठीक है, तो लिख ले वेयर आर वन एंड आर टू आर नोन एज रिफ्रैक्टिंग एंगल्स, रिफ्रैक्टिंग एंगल्स, आर वन आर टू को क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल्स, तो जब पेपर में ये गिवन हो कि रिफ्रैक्टिंग एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो मान लो क्वेश्चन में देगा रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, तो वो आपको R1 और R2 का सम दे रहा है 60 डिग्री, जो कि क्या हो जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल हो जाएगा, तो जब वो बोलेगा एंगल ऑफ जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है 60 डिग्री है, मतलब R1 और R2 में से अलग अलग नहीं देगा, R1 एंड R2 का सम 60 डिग्री है इसका मतलब, तो एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू भी यहाँ पर 60 डिग्री ही है, तो A और A की वैल्यू क्या होगी R1 प्लस R2 के इक्वल होगी, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक, तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला हमने क्या निकालनी थी, डेविएशन, डेविएशन डेल्टा क्या था आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आर टू, लेकिन आर वन प्लस आर टू की वैल्यू क्या आई ए, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखो, डेविएशन का फॉर्मूला या तो ये यूज होगा या ये यूज होगा, इन दोनों में से कोई भी यूज होगा, तो नोट करें, तो डेविएशन का फॉर्मूला कई आ रहे हैं, वैसे तो एक ही चल रहा है, उसको मॉडिफाई करते जा रहे हैं, तो पहला डेविएशन का फॉर्मूला क्या है आई वन प्लस आई टू माइनस आर वन प्लस आर टू, और दूसरा डेविएशन के फॉर्मूले में R1 और R2 के सम को क्या पुट कर दिया A, तो I1 प्लस I2 माइनस A, क्लियर है यहां तक, ठीक है, नेक्स्ट है, अब कभी कभी क्या होता है आपके जो प्रिज्म हैं वो थिन प्रिज्म दिए जाते हैं कि प्रिज्म थिन है, थिन प्रिज्म में एंगल्स छोटे होते हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है जैसे आप यहां पे स्नेल्स लॉ लगाएं, स्नेल्स लॉ तो कभी भी चाहे थिन हो चाहे थिक हो कैसा भी प्रिज्म हो स्नेल्स लॉ तो एप्लीकेबल है ही है, तो यहाँ पर म्यू क्या होगा साइन आई वन बाई साइन आर वन, पर अगर एंगल छोटे हैं जो कि थिन प्रिज्म में निकलते हैं तो उसमें साइन आई वन को अप्रोक्सीमेट क्या लिखा जाता है आई वन, और साइन आर वन को अप्रोक्सीमेट क्या लिखा जाता है आर वन, तो साइन आर वन को आर वन साइन आई वन को आई वन क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई वन क्या आएगा म्यू टाइम्स आर वन, उसी तरीके से आई टू इज इक्वल टू म्यू टाइम्स आर टू, लेकिन ये अजम्पशन है कि अगर एंगल छोटे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर एंगल छोटे नहीं हैं और आपको डेविएशन निकालनी है फिर आप ऐसा ना करें, फिर ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको गिवन होगा इट्स अ केस ऑफ अ थिन प्रिज्म, तो फिर आप लगा सकते हैं वो वाला फॉर्मूला, नहीं गिवन तो आंसर यहीं से आएगा, तो अगर थिन प्रिज्म गिवन है तो आप आई वन और आई टू को, क्योंकि डेल्टा का फॉर्मूला क्या लिखा था आई वन प्लस आई टू माइनस है, तो आप आई वन की जगह म्यू आर वन आई टू की जगह म्यू आर टू पुट करके म्यू को कॉमन निकाल के आर वन प्लस आर टू की जगह ए पुट कर ले, इन में से ए कॉमन आएगा तो क्या आएगा म्यू माइनस वन, तो ये फॉर्मूला नोट करें डेविएशन का, लेकिन ये फॉर्मूला हर न्यूमेरिकल में नहीं लगेगा, जिन न्यूमेरिकल में स्पेशली लिखा जाएगा इट इज अ केस ऑफ अ थिन प्रिज्म बस उसी में लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, तो लिख लो दिस जो भी आप फॉर्मूला बुकलेट में लिख रहे हैं ये फॉर्मूला थिन प्रिज्म के लिए ही एप्लीकेबल है,